मेरी ऑलरेडी सौत हो चुकी। तुम्हारा बयान बिल्कुल तैयार है। देखो लीना बेटा, बुरा ना मानना, अदील का वैसे भी हमारे घर में आना जाना कम हो गया है। और तुम उसे समझा दो, मुझे राबिया के साथ उसका मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। मामा, ये मैनचेस्टर है, लाहौर नहीं है। यहाँ पर आप किसी को भी उसकी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम करने पर मजबूर नहीं कर सकते। नहीं नहीं, खुदा ना खास्ता बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। माँ होना ख्याल तो रखना ही पड़ता है। चलिए आंटी, बट प्लीज आप कोई बदगुमानी दिल में ना बिठाइए। मैं अदील को अच्छी तरह जानता हूँ, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। मैं करूंगा, अलीना ने जो काम अधूरा छोड़ा है वो मैं करूंगा। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं रॉ को बर्बाद कर दूंगा। भला भला अदील तुम्हें धोखा दे सकता है, उसकी ये जरूरत? हे वो देखो, ये तो अलीना है। कमजोर है अदील, घटियापन का सबूत दिया है उसने। सिर्फ प्लीज, हो सकता है लीना को पसंद ना आए, लेकिन साजिद तो इंग्लैंड में रहता है। ये आईटी इंजीनियर है, लाखों में एक है, किस चीज की कमी है उसमें? ठीक है, आप बात कर ले लीना से, मेरे अंदर हिम्मत नहीं बात करने। सॉरी से काम नहीं चलेगा। देखो लीना बेटा, हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, तुम्हारा घर हंसता बसता देखना चाहते हैं। अच्छा, अपनी जिद छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अदील को भूल जाओ बेटा, वो तो उस नवाबजादी की दौलत के पीछे पागल हो चुका है। तुम अपना घर बसाने की फिक्र करो बेटा। अलीना, अलीना बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा दुख अच्छी तरह समझती हूँ मैं, जानती है ना तू? अहमद साहब कितनी जिद कर रहे हैं आसिफ की शादी के लिए, लेकिन आसिफ ने एक ही शर्त रखी है कि वो तब तक शादी नहीं करेगा जब तक उसकी बहन का घर नहीं बसता। समझा लूंगी उसे बाबा। क्या मतलब है तेरा अलीना? क्या तुम एक ऐसे हरजाई शख्स के लिए जिंदगी बर्बाद करोगी जिसने इंग्लैंड आती अपने औकात भुला दी? बाबा, उसका कसूर नहीं है। हाँ, उसका कसूर नहीं है अलीना, जो तुम्हारी आंखों के सामने ऐश करता फिर रहा है उसका कसूर नहीं है। मामा, कभी कभी आंखें जो देखती जरूरी नहीं वो सच हो। अलीना, अलीना बेटा देखो, अपनी जिद छोड़ दो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते। देखो, बहुत अच्छा लड़का है, आईटी इंजीनियर है और अपना देखा भाला है। आप इस टॉपिक पर मेरे साथ बात मत कीजिए प्लीज। अलीना, अलीना तुम अपने साथ ही नहीं हम सबके साथ जाती कर रही हो। मुझे देखकर कमसर इंसान, तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया, तुमने उसे रोक लगाया। मेरी बात सुना, नहीं सुनी मुझे तुम्हारी बात, नहीं सुनी मुझे। तुमने उससे बेवफाई की जिसने अपनी हैसियत भुलाकर तुम जैसे इंसान को अपनाया, जो 2 साल तुम्हारा गम पालती रही, और तुमने तुमने उसे क्या सिला दिया? तुमने बढ़कर रोक, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो अदील, मैं अपनी बेटी का हक किसी को छीनने नहीं दूंगी, समझे तुम? इसके लिए तुमने मेरी अलीना को छोड़ा, अपनी मंगेतर को छोड़ा, इसके लिए?
राबिया मेरी बात सुन। Yes, doctor. Serious but out of danger. Oh, thanks God. लगता है कि पाकिस्तानी है। Probably, I think so too. इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा, but what? हो सकता है कि वो कुछ अरसे के लिए अपनी यादाश्त खो दे। Oh, that's too bad. Excuse me. Thank you. तुम्हें क्या लेना देना है बेटी? बाहर रोज रॉबरी होती है, कोस्टल एरिया है, किसने लूट कर फेंक दिया होगा उसको? दादी ये कैसे पॉसिबल है कि मैं किसी को बेहोश दे और वो मुझे अपने मुल्क का लगे और मैं उसकी मदद ना करूं? ओके बेटा, मैं यही तो कह रहा हूं तुम्हें कि तुमने पुलिस को फोन करा था, लेट देम डू देयर जॉब। दादी इट वाज माय मॉरल ड्यूटी। अच्छा बाबा नाराज क्यों होती हो? मुझे बताओ वो कौन से हॉस्पिटल में? आई विल टेक केयर ऑफ इट मायसेल्फ। ओके नाराज क्यों होती हो? तो बड़े तुम्हारे खाते में अभी तक लंच नहीं किया। Come on, let's have a lunch. Now. Any hope, doctor? Yes, Miss Rabia. हैरतअंगेज़ बात तो ये है कि इसे अपना नाम तक याद रहा। क्या नाम है इसका? अदील नाम है इसका। अदील। शौक, सदमे और चोर की वजह से याददाश्त खो चुका है अपनी। लेकिन खतरे की कोई बात नहीं। अच्छा, यानी कि कंप्लीट मेमोरी लॉस नहीं है? Yes. ओके और कब तक नॉर्मल होगा? इसमें एक माह, दो माह, साल, दो साल भी हो सकते हैं। कोई टाइम स्पैन नहीं है? नो, कोई भी हादसा, कोई मेमोरी या कोई मुलाकात इसकी याददाश्त वापस ला सकती है। अच्छा, इसके पास कोई आईडी वगैरह? नो, पुलिस को इसकी जेब से 15 पाउंड और $200 मिले थे, लेकिन पुलिस ने लोकल चैनल्स पर तस्वीर भी दी और कोशिश की कि इसका कोई रब्ता हो सके, लेकिन कोई मिलने भी नहीं आया। आई थिंक किसी दूसरे शहर से है। मेरा ख्याल कुछ और है। क्या मुमकिन है ये इलीगल हो? मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है, क्योंकि इसी एरिया से लोग एंटर होते हैं स्मगल होकर। एनीवे जब तक नॉर्मली होता आई टेक केयर ऑफ हिम। दैट्स गुड। आई थिंक दैट्स माय मॉरल ड्यूटी। मुमकिन है कल रात तक नॉर्मल हो जाए, क्योंकि हमने उसे ट्रैंक्विलाइजर दे रखे हैं। तो I know he's in shock, poor guy. I understand. लेकिन बेटा इस तरह किसी अजनबी को घर में ही हूँ। मैंने पाकिस्तान सिर्फ देखा है, मैं पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई, लेकिन क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स पाकिस्तान से हैं, इसलिए मुझे वहाँ की हर चीज अपनी लगती जा रही और उसमें लोग भी शामिल। यूं करते हैं कि उसको एडमिट करवा देते।
डैडी प्लीज अगर आप इजाजत नहीं दे रही तो ठीक है आई टेक यू टू मम्मीज हाउस ये प्लीज मुझसे वो बात ना करे जो मैं नहीं मानूंगी आपको पता है मेरा ओके ओके बेटा डू व्हाटएवर यू लाइक जो तुम्हारा दिल है तुम करो आई विल टेक केयर ऑफ हिम नो प्रॉब्लम थैंक यू डैडी आई लव यू कितनी खुश हो रही तुम जैसे सारी दुनिया की दौलत पा रही हो तुम और हाँ क्या आया पछतावा बेबसी किसी की मोहब्बत के सहारे जीने चली थी तुम किसी और का तुम कितनी अकेली हो गई हो लेकिन तुम्हारा कुछ था ही कब तुम तनहा हो राबिया एकदम तनहा तुम्हारे हाथ में खुशियां रेत की तरह आई थी और अब हथेलियों में सिर्फ यादों के नक्श रह जाएंगे सिर्फ तलख यादों का कर्म होगा तुम्हारे साथ हो तुम अकेली थी अकेली हो अकेली ही रहोगी किसी के हक पर डाका डालने चलेगी अलीना अच्छा नहीं किया तुमने ना नहीं समझा तुमने मुझे ठहरो जैसा सलूक किया है तुमने मेरे साथ और मैं आज तक ये समझती रही थी वी वर फ्रेंड्स क्या कह रही मैं क्या कह रही हूं तो गॉड सेक बस करो मेरा और इम्तिहान मत लो अगर तुम्हारा अदीन से कोई ताल्लुक था तो मैं एक बार कह कर तो देखती एक बार वैसे भी अलीना इस जिंदगी ने मुझे कुछ नहीं दिया खोने की आदत हो गई है मुझे शिया ज्यादा देर साथ नहीं देती मेरा मैं आज तक ये समझती रही कि आई वॉज योर फ्रेंड मुझसे भी एनीथिंग तुमने कुछ नहीं कहा तुम चुप रही क्यों क्या कहती है तुम फॉर गॉड सेक बस करो एडमिट इट नाउ तो कुछ भी बाकी नहीं रहा सारे अब टूट गए हैं खुली है अब और खुली आंखों से सपने नहीं देखे जाते मैं तुम्हारी दोस्त हूं अलीना तुम्हें पता है इस तरह अचानक पता चलने से खास बात है अचानक ही पता चल गया जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया कि हम सब कुछ जानते बूझते हुए भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते अगर मुझे पता होता कि तुम और अदील नहीं राबिया अदील और मैं अच्छे क्लास में थे अच्छे दोस्त अब फिर हमारी मंगनी होगी उसके बाद अधील 2 साल तक गायब रहा और इन 2 सालों में मैं उसे भूल गई जब अधील मेरे सामने आया तो हमारे दरमियान सिर्फ दुनिया का कायम करना मंगनी का रिश्ता बच गया था और उसके दिल में चाहत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने सुना कि शादी सिर्फ उससे करनी चाहिए जो तुम्हें चाहता हो उससे नहीं जिसे तुम चाहती हो अदील बहुत अच्छा आदमी है राजा तुम्हें बहुत खुश रखे सच कह रही हूँ Thank you.
पापा चाय तो पीजिए, ठंडी हो रही है। हाँ पीते हैं अभी। सलाम अलैकुम। यस मिस्टर अदील, अब कौन सी नई गेम खेलने आए हो तुम? अब कौन सी नई बसात बिछाना चाहते हो? नहीं आसिफ, मैं तो सब कुछ हार चुका हूं। मेरी जिंदगी तो दांव पे लग गई है। मैं क्या चल से लूंगा? बहुत कमजोर निकले अदील, और कमीने भी। तुमने अलीना को धोखा दिया? अलीना को, जिसने तुम्हारी खातिर? खैर बस कीजिए मामा, ऐसे लोगों को मुंह लगाना ठीक नहीं है। एहसान फरामोश है ये। काश काश मैं इसे कहवा से सब कुछ कह दूं। और आंटी आप भी। मैं एहसान फरामोश हूं? मैं जालिम हूं जो खुद हालात के जबर का शिकार बन चुका हूं, जिसे तकदीर ने हमेशा एक पत्ते की तरह हवा से उड़ा के दूसरों के पैरों के नीचे घेर दिया हो? क्या हैसियत है मेरी? खाती क्या है मेरी? मैं किसी का क्या ही बिगाड़ सकता? किसको धोखा देना चाहते हो अदील ऐसी बातों से? अब किस पर चाल फेंकना चाहते हो अब तुम? लीना, मैं तुमसे सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं कि मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। खबरदार, जब तुमने अलीना का नाम भी लिया तो तुम उसके लायक ही कब थे? तुम तो अलीना, तुम्हारा फैसला क्या है? अदील बस, और तुम अब रहम की भीख मत मांगना। और अगर आइंदा मेरी बहन का नाम तुम्हारी जुबान पर आया ना, खैर गेट लॉस्ट, जाओ यहां से। अलीना, ख्याल आसिफ, तुम्हें अदील को इतना जलील नहीं करना चाहिए था। काश पापा मैं इससे ज्यादा कुछ कर सकता। It's not like that! Rabia! Rabia!
नो कॉम्प्रोमाइज राबिया, नो कॉम्प्रोमाइज बेटा, बाय हुक और बाय क्रूक आई विल मेक यू, मैं देखूंगी कि तुम जीतोगी बेटा, तुम जीतोगी। नो राबिया, नो यू कांट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट हेल्प मी, आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। राबिया प्लीज, राबिया बेटा मेरे को बहुत दुख है, नहीं ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। आर यू श्योर? ओह माय गॉड, मेरी बेटी को अदील के करतूतों का इल्म हो गया है, ये अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ ताहिर, ये बहुत बुरा हुआ है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, अब वो मेरे इंतकाम से नहीं बच सकता, मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। कहाँ जा रहे हो? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिसने तेरी खुशियों को आग लगाई है। जान लेना, आपके पास हर मसले का यही हल है ना? हाँ, उसने तुम्हारे साथ अब क्या जानते हैं? क्या जानते हैं आप? क्या जानते हैं कि उसने मेरे साथ क्या किया? आप क्या जानते हैं मोहब्बत के बारे में? क्या समझते हैं मोहब्बत के बारे में? आपने तो अपनी अना की खातिर मेरी मां को छोड़ दिया था, तब आपको मेरा ख्याल नहीं आया था? मेरी मोहब्बत की खातिर आप मेरी मां को मेरे घर वापस नहीं ला सकते थे? आप क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। अगर आप मोहब्बत के बारे में जानना चाहते हैं ना, से पूछे, जिसने सब कुछ खोने के बावजूद से एक लफ्ज नहीं निकाला। कुछ जानना चाहते हैं, अदील से सीखे कि कुर्बानी कैसे दी जाती है। आप सिर्फ जान लेना जानते हैं, किसी के लिए जान दे सकते हैं आप? हाँ, मुझे देखे मेरे पास कुछ नहीं रह गया, खाली हाथ हूं मैं। अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, अब तो बस कर दे प्लीज, बस कर दे। आप क्या जानते हैं मोहब्बत के बारे में? क्या समझते हैं मोहब्बत के बारे में? आपने तो अपनी अना की खातिर मेरी मां को छोड़ दिया था, तब आपको मेरा ख्याल नहीं आया था? मेरी मोहब्बत की खातिर आप मेरी मां को मेरे घर वापस नहीं ला सकते थे? मोहब्बत के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो अलीना से पूछे, जिसने सब कुछ खोने के बावजूद अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। जानना चाहते हैं अदील से सीखे कुर्बानी कैसे दी जाती है। प्लीज इस तरह मत बना हमें, Thank you.
है, मैं टूटने वालों में से था, झुकने वालों में से नहीं। मैं क्या करूं, मैं बस हूं। राबिया की मोहब्बत ने मेरे दिल पर मकरी की तरह जाल तना हुआ है। किस तोड़ को काट सर, सर मैं दिल के लिए दसवें और तेरहवें काबू कर सकता हूं, उसको मजबूर कर सकता हूं, उसके लिए यहां और पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि वो राबिया के पांव में गिरकर माफी मांगेगा। नहीं तो है, नहीं, यही तो मैं नहीं चाहता। यही गलती की है मैंने सारी जिंदगी। मैंने लोगों को खुद से मोहब्बत करने के लिए उन पे जबर किया। हम अदील को क्यों मजबूर करें? क्या क्या कमी है राबिया में? अदील को देने के लिए क्या नहीं है उसके पास? क्या नहीं है मुझे बताओ। यही तो नहीं है सर। मेरा अब कुछ भी करने को जी नहीं चाहता। मैंने फैसला कर लिया है ताहिर, मैं ये सब कुछ छोड़ रहा हूं। तुम भी अब आजाद हो। मैं कैसे आजाद हो सकता हूं? मैं तो आपके एहसानात तले दबा हूं। आपने मुझे नहीं ताहिर, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। अब मेरे ही कहने पे छोड़ दो ये सब कुछ। जो बात मैंने इतनी बड़ी ठोकर खाने के बाद बात की है, तुम अभी कर लो, अभी कर लो। ठीक है सर, मैं आपको हुक्म दिलो जान से कबूल करता हूं, लेकिन खुदा के लिए मुझे अपने हाथ से अलग ना करें। तुम मेरे से अलग हो ही नहीं सकते हो, कैसे हो सकते हो? लेकिन अब तुम अपनी जिंदगी गुजारोगे, ये सबक पढ़ाया मेरे राबिया ने मुझे। ये तुम्हारी खिदमत के सिले में नहीं है बेटा। तुमने जो कुछ मेरे लिए किया है,
उसका सिला तो मैं कभी भी नहीं दे सकता। हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है क्योंकि मैं बराह रास्त कभी किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं रहा। ये रख लो, जाओ अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। I'm proud of you, beta. Let's look at it. This person here has been arrested at the front inquiry desk. It's received a complaint from Mr. Majid a few weeks ago. Okay. About a deception. Further inquiries have been conducted by myself and PC Smith. Right. Mr. Allen's coming to the front desk today. He doesn't speak any English. Right. I'm presuming that he's most probably handed himself into the police. However, I've arrested him at the front desk for the offence of deception. Right. Can I take some details from you, please? I need his name. Full name. Afkanabakir. Tahid Ali. Tahid Ali. And his home address? It's 40 Connaught Road in Blackburn. And you're resting now at the police station? Yes, I have. Can you show Mr. Ali? Yes. The interpreter. So I put him in the cell, Sergeant. Yes, please. You could take him down now.
सकता है? ये तूने क्या किया है? क्या किया तूने? देखो ताहिर, इस ब्रीफकेस में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रकम मौजूद है। अगर तुम राव के खिलाफ तमाम सबूत मुझे पहुंचाओ, ऐसे सबूत जो उसको जेल तक पहुंचा सके। आम हालात में मैं सवाल का जवाब जुबान के बजाय हाथ से देता, लेकिन इस वक्त तुम मुझे जानते हो ना अमजद? हाँ, इसीलिए मैंने पहले जुबान से बात कर लेना मुनासिब समझा। देखो ताहिर, ये इंग्लैंड है और यहाँ मरने मारने वाली बातें सूट नहीं करती। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि काम तो तुम्हें करना ही है, दिस वे और दैट वे। धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी देना शर्फा की जुबान नहीं है। मेरे पास तो तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा सरप्राइज है। ब्लैकमेलिंग का शौक पूरा करने चले आप? मैंने तुमसे कहा था ना ताहिर, काम तो तुम्हें करना ही है और वक्त कभी एक साथ नहीं रहता। मुझे तुम्हारी दूसरी बात से इत्तेफाक है मिस्टर अमजद, का वक्त वाकई एक साथ नहीं रहता, वरना तुम कभी भी ऐसी गंदी हरकत करने के मुतालिक सोचते भी ना। लेकिन शायद तुम भूल गए हो, बाज लोग वक्त की कैद से आजाद होते हैं, और उनमें से एक मैं भी हूं। ठीक है, ये तस्वीरें अपने पास रखो, मुमकिन है इन्हें देखने के बाद तुम्हें कुछ याद आ जाए। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा ना। नेगेटिव महफूज है मेरे पास, कुछ भी होने के 24 घंटे बाद खुद ब खुद पुलिस तक पहुंच जाएंगे सारी कहानी समेत। इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी, और वैसे भी तुम जेल की जिंदगी आदी नहीं हो ना। मेरी और बात है, और हाँ, इस चेक तुम देख रहे हो, इसके सामने तुम्हारे इस ब्रीफकेस की क्या हैसियत है? क्या बक रहे हो तुम? इंकशाफ कर रहा हूं कि तमाम गैर कानूनी काम मैंने तुम्हारे कहने पर किए, और मेरे इनकार पर तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। इसका इंकशाफ मैं पुलिस को करूंगा। वैसे ही मैं पहले ही बहुत तंग आ गया उस मुजरमाना जिंदगी से। तुम क्यामत तक साबित नहीं कर पाओगे इस बात को। अच्छा, तो फिर ये साबित करते ना कि जब मैं इंजेक्शन लगा रहा था तो तुम वहां क्यों मौजूद थे? जब तुम पहले से इल्म था तो तुमने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी? अब इस वाकये के 4-5 माह बाद तुम बाकी बातें होती रहेंगी। लेकिन एक दिन यही कुछ होना था सर, सनात भी तो बढ़ते जा रहे थे, और मैं आपको इस तरह बेबस देखकर कैसे जी सकता हूं? तुमने मेरे माजी के सारे जुर्म अपने नाम लगा लिए, क्या किया तूने? आपने कभी कोई जुर्म नहीं किया सर, आपने दर्जनों बेबस और बेकस लोगों की मदद की है, उन्हें बाइज्जत मुकाम दिलाए हैं। मैं दिल की तरह बेवफा नहीं हो सकता, और रहा अमजद तो 2-4 महीने मेरे साथ गुजारेगा तो उसका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। I have no son.
मेरा कोई बेटा नहीं है। मैं जैसा भी हूं आपकी तरफ से तो फिक्र नहीं करना। मैं हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा वकील करूंगा। तूने मुझे अकेला छोड़ दिया, तू 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 घबराना नहीं। डोंट यू वरी, यू डू समथिंग फॉर यू। बिल्कुल फिक्र नहीं कर लिया तुमने। हाँ,